नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर के बाद अब पांच अन्य शहरों के लोगों की रोजमर्रा लाइफ थोड़ी आसान होने वाली है। बहुत जल्द इन शहरों में रहने वाले लोगों को रसोई गैस के लिए लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्हें केंद्र सरकार ने गैस पाइपलाइन योजना में शामिल कर लिया है। इसके तहत दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, गोपालगंज और सिवान, इन पांच जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। यहाँ पर पाइपलाइन के जरिए घर घर तक रसोई गैस उपलब्ध कराने पर विचार बन रहे हैं, जिसके लिए बिडिंग का काम जल्द कर लिया जाएगा, जिसके बाद घर घर तक पीएनजी कनेक्शन की आपूर्ति की जाएगी। बताते चले कि पाइप के जरिए गैस पहुंचाने वाली इस योजना के तहत अब तक राजधानी पटना के हजारों घरों को इसका लाभ मिल चुका है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से हाल ही में जानकारी मिली है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने 7 मार्च 2018 को ही गेल को यह जिम्मेदारी दी थी कि 5 सालों के भीतर पटना जिले 50,154 परिवारों तक पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचाई जाए। इसके लिए इस पीएनजी कनेक्शन को उपलब्ध कराने की लागत 395 करोड़ 25 लाख रुपए प्राधिकृत की गई थी, जिस पर काफी हद तक सफल काम हुआ है। जानकारी के मुताबिक 31 जुलाई 2021 तक पटना के 31,624 घरों में पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाए गए हैं और इसमें लागत 270 करोड़ रुपए आया है। आपको बताते चले कि राजधानी पटना के बाद अब बिहार के छोटे बड़े सभी शहरों में धीरे धीरे पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाने के लिए व्यवस्था की जानी शुरू हो जाएगी। इस कवायद में दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, गोपालगंज और सिवान जिलों में जल्द ही कनेक्शन देने के लिए पाइपलाइन को बिछाने का काम किया जाएगा। आपको बताते चले कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन योजना यानी कि पाइपलाइन के जरिए गैस को घर घर तक पहुंचाने की योजना कई मायनों में फायदेमंद है। इस कनेक्शन को लेने से आपको सिलेंडर बुक करवाने, लाने या फिर ले जाने, अचानक से गैस खत्म हो जाने या फिर लाइनों में लगने जैसे झंझटें दूर हो जाएंगी। यानी कि इस योजना से अब खाना बनाने के लिए सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसके जगह पर सीधे एक पाइपलाइन होगा और उसी के जरिए आपके चूल्हे तक गैस पहुंचेगा। साथ ही इसका एक फायदा यह भी है कि महीने में आप जितनी गैस खर्च करेंगे आपको उतने के हिसाब से पेमेंट करना होगा। हालांकि केंद्र सरकार की यह योजना काफी लंबी चौड़ी है, तो इसे पूरी तरह इन शहरों में शुरू होने में भी वक्त लगेगा। अब आपको बताते हैं कि यह सारा पाइपलाइन का सिस्टम आखिरकार काम कैसे करने वाला है। इसके लिए शहर के पास ही एक सिटी गैस स्टेशन बनाया जाएगा, जहां तक बड़ी पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचेगी। इस स्टेशन से डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग सिस्टम तक गैस पहुंचेगी। इसके बाद पाइपलाइन को कॉलोनी, मोहल्ला या सोसाइटी में सप्लाई किया जाएगा, जिसके बाद कॉलोनी, मोहल्ला या सोसाइटी में यह पाइपलाइन सर्विस रेगुलेटर राइशर आइसोलेशन वॉल्व से होकर गुजरेगा। इसके बाद पाइपलाइन सीधे रसोई में पहुंचेगी, जहां उस पर मीटर कंट्रोल वॉल्व, मीटर रेगुलेटर और अंत में अप्लायंस वॉल्व लगा होगा। आखिर में इस वॉल्व से पाइप सीधे चूल्हे से जुड़ा होगा। इसको यूज करना भी काफी आसान है। जैसे ही चूल्हे का स्विच घुमाएंगे तो फिर गैस आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इसके बाद आप जरूरत के हिसाब से गैस को यूज करें, मीटर में उसकी रीडिंग दर्ज होती जाएगी, जिसके बाद रीडिंग के अनुसार एक निश्चित अवधि के बाद आपको बिल प्राप्त होगा। उस बिल का पेमेंट आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों मोड में कर सकेंगे। खास बात यह है कि इस पूरे सिस्टम में हादसे की आशंका शून्य मात्र है। यहां फटने का डर नहीं होता है। इसके अलावा किसी तरह की शिकायत होने पर कंपनी के कर्मचारी तुरंत पहुंचते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।